प्रत्याशी जो हमारे बीच है आज नामांकन करवाने आए थे दुश्मनी बिशनपुर से समीप सरपंच प्रत्याशी के रूप में, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी रंजिश में उतरे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम रामबलि प्रसाद है और शाह भी कई जगह है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड में प्रसाद है और हर जगह मेरा नाम शाह है। मैंने सैमपर्सन टू नेम का एक एप्लीकेशन आवेदन लगा दिया हूँ एफिडेविट, ठीक है, दोनों नाम मेरा ही है और मैं ही रामबलि शाह और प्रसाद। किस पद और किस पंचायत से खड़े हुए सर? मैं धुसमुरी बिशनपुर पंचायत से और वो सरपंच पद के लिए जिसका क्वार्टर नंबर 9 है खड़ा हुआ हूँ सर। इससे पहले भी आप जी? इससे पहले 2015 में मैं AC 8 दिल्ली से MLA के लिए चुनाव लड़ा था सर। तो आप सामाजिक समाज में कब से जुड़े हुए हैं? सर मैं समाज में बचपन से ही जुड़ा हूं। जब मैं हाई स्कूल 10वीं में पढ़ रहा था उस समय डीलरों का बड़ा अत्याचार था, मनमानी करता था, कभी मन होता तेल देता, आधा लीटर तेल देता और हर तरह से परेशान। तो उसी समय मैंने बीड़ा उठाया कि इस डीलर को कंप्लेन करके इसको सीधा करना है। तो मैं और मेरा साथी लोग 10 आदमी मिल के FSO खगड़िया को एप्लीकेशन दिए। उसके बाद उस पर जो है पूरे जिले का वो खाद वितरण करता था रिलीफ का, वो रोक लग गया और इसके बाद उस पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई के लोगों को तोड़ा और तोड़ने के बाद उसका लाइसेंस भी टूट गया। आप अपने क्षेत्र की जनता का समस्या किस प्रकार दूर करते हैं? सर मैं जनता को सबसे पहले सर्वोपरि अपना हित बाद में पहले जनता का ही और उनके हित में ही जो भी काम होगा जनहित ऐसी कार्य करूंगा सर। और एक जरा मेरा जनता का दिल ना दुखे, मैं एक शहर यहाँ पर तैर कर लूँ सर, आपकी इजाज़त हो और जनता मालिक जो मेरे साथ आए हुए हैं जो कि जरूरत ज्यादा है इसके लिए बहुत ही चाहूँगा। तो मैं कहना चाहता हूँ वक्त के दरवाजे, वक्त आने पर सभी दरवाजे बंद मिलते हैं और मैं रामबलि प्रसाद का दरवाजा 24 घंटा खुला रहेगा जनहित में जनता के काम के लिए। और मैं सर एक शहर लास्ट में और सुना दूं जो मैंने अपना शहर बनाया था, कौन जाने कब इस जिंदगी का शाम आखिरी शाम आ जाए, कौन जाने कब जिंदगी का आखिरी शाम आ जाए, कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। मैं तो वक्त ऐसा ढूंढता हूँ जो ये जिंदगी किसी के काम आ जाए सर, इसी जो ये जिंदगी किसी के काम आ जाए सर, इसी हित के साथ मैं चाहता हूँ भगवान और आप लोगों का आशीर्वाद रहे, जनता मालिक मुझे मनोकामना पूरी करे, विजय कराए और मैं उनके हित में खड़ा रहूंगा, उनकी हर समस्या का निदान करूंगा, उसमें एक पैसे की कमी ना हो, भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, सदा समाज हित के काम के लिए खड़ा रहूं और मेरे समर्थक खड़ा रहे। और मीडिया महोदय आपका शुक्रगुजार हूं। इसी के साथ मैं इजाजत ले लूं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। लोगों को तोड़ा और तोड़ने के बाद उसका लाइसेंस भी टूट गया। आप अपने क्षेत्र की जनता का समस्या किस प्रकार दूर करते हैं? सर मैं जनता को सबसे पहले सर्वोपरि अपना हित बाद में पहले जनता का ही और उनके हित में ही जो भी काम होगा जनहित ऐसी कार्य करूंगा सर। और एक जरा मेरा जनता का दिल ना दुखे, मैं एक शहर यहाँ पर तैर कर लूँ सर, आपकी इजाज़त हो और जनता मालिक जो मेरे साथ आए हुए हैं जो कि जरूरत ज्यादा है इसके लिए बहुत ही चाहूंगा। तो मैं कहना चाहता हूँ वक्त के दरवाजे, वक्त आने पर सभी दरवाजे बंद मिलते हैं और मैं रामबलि प्रसाद का दरवाजा 24 घंटा खुला रहेगा जनहित में जनता के काम के लिए। और मैं सर एक शहर लास्ट में और सुना दूं जो मैंने अपना शहर बनाया था, कौन जाने कब इस जिंदगी का शाम आखिरी शाम आ जाए, कौन जाने कब जिंदगी का आखिरी शाम आ जाए, कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। मैं तो वक्त ऐसा ढूंढता हूँ जो ये जिंदगी किसी के काम आ जाए सर, इसी हित के साथ मैं चाहता हूँ भगवान और आप लोगों का आशीर्वाद रहे, जनता मालिक मुझे मनोकामना पूरी करे, विजय कराए और मैं उनके हित में खड़ा रहूंगा, उनकी हर समस्या का निदान करूंगा, उसमें एक पैसे की कमी ना हो, भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, सदा समाज हित के काम के लिए खड़ा रहूं और मेरे समर्थक खड़ा रहे। और मीडिया महोदय आपका शुक्रगुजार हूं। इसी के साथ मैं इजाजत ले लूं। जय हिंद जय भारत।